ले निकाल ला धोबी ने। हाँ कछ जिंदो सा मालूम पत्तो जी तो मुझे। हाँ सही कही लला। हाँ प्यारी। ए प्यारो वे लला। हाँ भैया। लला। हाँ भैया। का नाम होती हो? बसंत कुमार। चल ओ धोबिनी। हाँ। सुन ले जी कम बढ़िया है गो। का है गो? दो एक बिरादरी कैसी मिल जा मिलती जुलती बिरादरी है। हाँ। जी कुमार हो हम धोबिया है कोई बात ना ले। अच्छा हाँ ठीक है का भैया बढ़िया तो आगे वो जानते ही बसंत 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 कौन का बसंता। चल आज ते त्या नाम हारने बसंता दादा लल्लू बसंता गुलगुले आ जा। अरे अब तू जा तू मैंने बचाया था तू जा। नहीं भैया। ए आ जाना है मैं जा अपनी पास रखूंगी। देखो मेरी बात सुन लो पहले। देखो मेरे पास भी कोई लड़का नहीं है। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है मैं अपने पास रखूंगी इसे। ए बच्चा काय को बीमारी लगाए रही क्या? ए तू चुप रह। ए तू मान जा ओ धोबे ने। हां तेई सब आप तुम आप प्यार वैसा थोरू रहेगा फिर दे आ रहे हो क्यों ना। ए तू चले तो ना मानते चले चल जग जग बैठ जा। चुलला लग रहा है देख मैं तो अपने पास ही रखूंगी। हाँ सही कहती है। सुनो। हाँ देखो ये सामने यहाँ के राजा का दरबार है। हाँ हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलो, चलो। तो महाराज के पास चलते हैं। महाराज की जय हो। जय हो कहो कैसे आना हुआ? महाराज हम आपके पास कुछ फरियाद लेकर के आए हैं। फरियाद लेकर के आए हो? हाँ महाराज। कैसी फरियाद लेकर के आए हो कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज ये जो है मेरी घरवाली है। हाँ हाँ कहो। और महाराज ये हट कर रही है रूप और बसंत का किस्सा सुनने के लिए। अरे रूप और बसंत का किस्सा? ये तो किस्सा हमारा ही है। जरूर कोई न कोई इसमें राज है। महाराज क्या सोच रहे हो? नहीं सौदागर ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज हमें रूप और बसंत का किस्सा सुनवा दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता न करें अभी इसी वक्त में अपने मंत्री को बुलाता हूं और मंत्री को बुला करके इसी समय नगर में डुडोरा पिटवा देता हूं। ठीक है महाराज। मंत्री जी। महाराज मंत्री आज हमारा आदेश है पूरे नगर में डिडोड़ा पिटवाया जाए और कह दिया जाए कि जो रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा उसको हम आदर राज नाम कर देंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। तुरंत इसी वक्त। ठीक है महाराज हम अभी डिडोड़ा पिटवाते हैं।
सुनो सुनो सुनो, सब नगर निवासियों को सूचना है कि जो कोई भी महाराज के दरबार में रूप और बसंत का किस्सा सुनाएगा तो महाराज उसको उचित इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, बसंता की अम्मा। अरे आए तो रही हो। न्या कह रहा हूँ। हाँ। तुझे सुन रही है ढिंढोरा पिट रहा होता है। हाँ सुन तो रही हूँ। तो माले का आए जा काय के लिए पिट रहा हो जी? काय के लिए पिट रहा है? जी जा के लिए पिट रहा है कि ते रूप बसंतों को कुछ सा सुनाए देगो। हाँ? भाई आदो राज मिन जागो। अच्छा। हाँ। तेईस मुझे भारी भारी किस्सा आवत है। हैं? तेईस पर जो रूप बसंत को ना हो तो आगे लगो। ये सोई मोर मेरे किस्सा याद है लेकिन मुझे जय किस्सा याद ना है। जय किस्सा याद ना सुन मेरी बात। हाँ? अगर जी किस्सा मैं जान तो नहीं हो। हाँ? तो त्या धोबिया राज में बैठो हो तो और घोड़ा पे बैठ के जा रहे हो तो ये मज्जा तो सुनाई किन्दे आती पे परिकरों का यही मरा मरा सो रहेगा। तेईस तो पावत हुआ ये मुँह पे नहीं आवत हुए तू सुनाए दे। मुँह पे तो वो आवत हुए ही राजा वगैरह तो बच्चों ने आवत हुए मुँह पे नहीं आवत हुए ना तू आएगा तो ही तो पर आएगा। ए मत जा गया कहीं वाला माता ए जा रहा करंगो पिताजी ए ठीक रुको पिताजी ए तू छोड़ जा मुझे। नहीं पिताजी रुको आप क्यों लड़ रहे हैं माताजी? हम जो लड़ रहे हैं सुन ले रे। क्यों लड़ रही हो? ए सुन ले जो लड़ रही है के रूप बसंत को किस्सा हम दोनों पे एको बनावत हुई। पिताजी आप शांत हो जाइए। राजा से कहलवा दो कि रूप बसंत का किस्सा हमारा बेटा बसंता सुनाएगा। तू जानता है ए वे लल्लू ए वे कूद। पिताजी सुनो ओए राजा से ये बोल दो किस्सा तो रूप बसंत का सुनाएगा लेकिन पर्दे की ओट में सुना। ए तू काऊ में तो सुनाए दे भैया राज आ गया इधर। ए तू तो बड़ा काऊ का बात कर रहा है। नो 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 ठीक है जाता महाराज। महाराज की दुहाई हो महाराज की दुहाई हो। खुश रहो कहो धोबी क्या कहना चाहता है महाराज? जी कह रहे हम कहो के एक हमारा लला है आहा वो रूप बसंत की कथा जानतो है। अच्छा हाँ हम पे तो आवत ना हमारी धोबिन पे आवतगी पर बाकी एक शर्त है महाराज। कौन सी शर्त है? वो किस्सा तो कहेगा पर पर्दा की ओट ते कहेगा। कोई बात नहीं धोबी मंत्री। कहिए महाराज। पर्दे का इंतजाम किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। रूप बसंत का किस्सा हम इसी वक्त सुनेंगे। ठीक है महाराज। महाराज पर्दा तैयार है। ठीक है धोबी के लड़के को पेश किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। खुश रहो महाराज लला ले आए हम। ठीक है पर्दे की ओट में हम बड़े बेचैन हो रहे हैं क्योंकि सौदागर खड़ा हुआ है। इसी वक्त रूप बसंत का किस्सा सुनाया जाए। ठीक है महाराज सुना लला लला सुनाए दे। ठीक है पिताजी अभी मैं सुनाता हूं।
सुना बेटा। महाराज आज मैं रूप बसंत का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। महाराज बड़ा गमगीन किस्सा है, सुनिए महाराज। चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े तकारी। भगवान ये तो मेरे बेटा बसंत की आवाज लग रही है। महाराज दोनों कुमार हंसी खुशी से महलों में रह रहे थे। महाराज आगे क्या होता है? अरे मरी महलन में रानी की, अरे मरी महलन में रानी की, और रोबे दोनों लाल बहन ननते पानी। सुनिए महाराज इधर दुख का वज्र टूटने लगा, लेकिन सुनिए वो राजा कैसा था। अरे भूप को मनोहर सायो महाराज, अरे भूप को मनोहर सायो खे, और तू जो करके ब्याह भूप महलन में लायो खे, ए तू जो करके ब्याह भूप महलन में उलायो खे। महाराज कहा नहीं जाता, जैसे राजा दूसरी शादी करके लाता है। अरे बुरोबा मौसी ने किया, अरे बुरोबा मौसी ने किया, और भोला रूप कुमार नारी ने दो तो लगाई दिया, ये भोला रूप कुमार नारी ने दो तो लगाई दिया महाराज। अरे ये तो निश्चित ही मेरा बेटा बसंत हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारी कहानी है। ए भैया जरा एक तरफ हटना, मुझे आगे देखने दो, हो सकता है मेरे बेटे मिल जाए। महाराज आज रूप के ऊपर इल्जाम लगा देती है मौसी, क्या किया राजा ने? अरे जाल रानी ने फैलाया, अरे जाल रानी ने फैलाया,
को जाने लगे रूप को। क्या होता है महाराज, इधर छोटा भाई बसंत आकर के पिता से विनय करने लगा, लेकिन राजा ने दोनों बच्चों को जल्लादों के हाथों सौंप दिया। अरे धीरा सिंह चाचा आए कि हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है ऊपर वाले। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरे बिछड़े हुए दोनों लाल निश्चित ही आज हमसे मिल जाएंगे। हे ऊपर वाले, कहा नहीं जाता, लेकिन आज रूप बसंत का किस्सा पूरा सुनाऊंगा महाराज, सुनिए। अरे धीरज सिंह चाचा आए कि बच्चा ले बचाई घने जंगल में लाए की, तो बच्चा ले बचाई घने जंगल में लाए की। महाराज होनी होनी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और जंगल में भी क्या हुआ। अरे पिदाता कैसो होनोखी, अरे पिदाता कैसो होनोखे, और वीर सिंह से वन में बच्चा बिछुड़े दोनों के, वीर सिंह से दोनों बच्चा बिछुड़े दोनों के। भैया भैया मुझे आगे जाने दो, ये तो मेरे ही बालक हैं। भैया मुझे आगे जाने दो महाराज। वहां पर चाचा भी छूट जाता है, दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। अरे रूप पानी कौन दहायो है, अरे रूप पानी कौन दहायो है, छोटो ब्रात बसंत वहां बिशियर ने खायो खे, पिता छोटो राजकुमार वहां बिशियर ने खायो खे। और महाराज, अरे कफन को मांगन भी का गया। देखिए महाराज कितनी कितनी औखा पड़ी। अरे कफन को मांगन भी का गया, और एक नगर में जाई रूप तब राजा तुरंत भयो, एक नगर में जाई रूप तब राजा तुरंत भयो। तबलिया, अरे समय ने पलटा तबलिया, एक साधु ने आके वहां पर बसंत को जिंदा कर दिया। महाराज महाराज बसंत जिंदा हो जाता है जब बसंत आगे बढ़ा। क्या होता है महाराज, सुनिए। अरे कुमार मार्ग में आयो खे, अरे कुमार मार्ग में आयो खे, और कछुआ में को चलो ये सौदागर पायो खे, एक कछुआ में को बढ़ो एक सौदागर पायो खे। सुनिए महाराज, थोड़ा सा समय और बसंत का उसी का आया, तो उसमें भी क्या होता है। अरे कुमार को ब्याह भयो भाई, अरे कुमार को ब्याह भयो भाई, और मन में खुशी अपार दुल्हनिया सुंदर एक ब्याई, ए मन में
सुंदर सिपाही। हे विधाता, ये तो मेरे पति मेरे स्वामी की आवाज है। हे भगवान, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। लेकिन सुनिए महाराज, महाराज ये किस्सा तो हमारा ही है। उस सौदागर नीच ने क्या किया? अरे देख सौदागर मगन भया, अरे देख सौदागर मगन भया, और नियत भई खराब कुमार नदिया में डार दया, नियत भई खराब कुमार नदिया में फेंक दया। ये तो मेरी कहानी आ गई। महाराज 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 बंद कर लो महाराज, अब हम किस्सा नहीं सुनना चाहते हैं। बस नहीं सौदागर, नहीं महाराज, बस हमने किस्सा सुन लो। किस्सा पूरा होगा, हम रूप बसंत का किस्सा पूरा सुनना चाहते हैं। ठीक है महाराज। मंत्री जी महाराज, सौदागर को बिठाया जाए। भैया ये सौदागर भाग रहा है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, ये भाग रहा है। महाराज क्या होता है? अरे नंदी पे धोबी आयो है, अरे नंदी पे धोबी आयो है, और लीनो कुमार निकार तुरंत घर अपने लायो है। ए लीनो कुमार निकार तुरंत घर अपने लायो है। धोबिनी बच्चा पर उन्हें मरवाए ना वरी। अरे क्यों ना मरंगी तुम लोग? बच्चा बात चलो नहीं, बहुत ही लगेंगी अब हमको बात के लिए। और सुनिए महाराज, अरे सुनो सब श्रोता गड़वानी, अरे सुनो सब श्रोता गड़वानी, सौदागर पे ईमान बसंत की राखी रहो रानी, जी सौदागर पे ईमान बसंत की राखी रहो रानी। भैया भैया बसंत, ये तो मेरे ही बेटा है। बेटा बसंत, बेटा बसंत, चाचा स्वामी बेटा, बेटा रू, चाचा, बेटा बसंत आकर मेरे गले लग जाओ बेटा। चाचा धोबिन भाजी, भैया बसंत, भैया रू, भैया भैया बसंत, भैया रू, आ भैया गले मिले भैया। भैया भैया बहुत दिनों के बाद मिला है मेरे भाई। भैया कहाँ छोड़ करके चले गए थे मेरे वीर? बेटा रूप, चाचा, बेटा चाचा, चाचा जी तुम छोड़ के कहाँ चले गए? चाचा चाचा जी, बेटा आओ बेटा मेरे गले लग जाओ। चाचा जी, बेटा बेटा आओ, तुम मुझे कहाँ छोड़ करके आए थे? चाचा जी, हे स्वामी ये सौदागर भाग रहा है, इसे पकड़ो। हे प्रिय मंत्री, इस सौदागर को पकड़ लो, भाग रहा है। जी महाराज, अभी पकड़ता हूँ। बसंत। हाँ भैया। ये कौन है भैया? भैया ये तुम्हारी छोटी बहू हुई। ठीक है भैया। हे प्रिय ये हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे ये चाचा जी खड़े हुए, जरा इनको नमस्कार कीजिए। चाचा जी को प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, आओ मेरे बच्चे हो, आकर मेरे गले लग जाओ। चाचा जी, तो
हवे ने अब बात चले काय को मरे फिर रही है जी बिल्कुल फांसी ले जाएगी यहाँ तो भरत मिलाप हो सह रहा है। नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा। क्यों आपने मेरे को पाला था ऐसा नहीं होगा। ये हमारे भाई ही ये हमारे चाचा हैं। राम राम सा राम राम जू राम राम सा धोबी आज से तुम धोबी नहीं तो महाराज आज से तुम हमारे पिता के समान हो। ठीक है महाराज। और आज से आधा राज आपको हम देते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री धोबी को आधे राज का मालिक किया जाए। काम बनेगो धोबी ने। हाँ एरी। हाँ एक बात तो बता। हाँ देखे हम राजा तो है गई। हाँ पर जे मैं गदा जा और जे गदा काम बनेंगे री। अरे तू तो सिर रही है राव तू एकल ने गदा आई कि नहीं आई कैसी मौदू रही वो चौं का है गो जी का मानेंगे। देख अब तो अरे तुम राजा हो गए अब का जरूरत है गदैया राखबे की। ऐ तुम राजा हो गए री। हां वा जा भाई सुन लो भाई धोई भैया सिगन ने काम मिले गो में जाए के को कपड़ा धोए बन जाइयो आते जो समझ लो को मंत्री को सिपाही ऐ जो समझ लो कपड़ा धोवे तुम किस में कपड़ा धोवे जाओ पहुंच हम जो बंदूक चलाओ तुम कपड़ा बंदूक तो मालिम अब को है गए हम धोबी तो माले को है गए। हां को है गए हम धोबी राजा।